उदाहरण छह, सात हजार चार सौ इक्यासी में इकतीस का भाग देने पर हल के उत्तर की जांच बीजांक से किया जाना है। यहां पर हम देखते हैं कि 7481 को 31 से भाग देने पर जो एक सामान्य प्रक्रिया है उससे जब हम भाग देते हैं तो कुछ इस प्रकार की चीजें हमारे सामने आती हैं। अब इसके आगे भाग संभव नहीं है तो हम लोग देखते हैं यहां पर कि जो 31 है इसे हम भाजक कहते हैं, ये हमारा भागफल है, ये शेषफल है और 7484 ये भाज्य है। अब इस प्रकार भाग के प्रश्नों में बीजांक से हल की जांच करने के लिए जो जिस समीकरण का उपयोग किया जाना है वो है भाज्य का बीजांक बराबर भागफल का बीजांक गुणा भाजक का बीजांक धन भागफल शेषफल का बीजांक, शेषफल का बीजांक। भाज्य सात हजार चार सौ इक्यासी है, इसका बीजांक दो है। भागफल 241 है, इसका बीजांक 7 है। भाजक 31 है, इसका बीजांक 4 है और शेषफल 10 है, इसका बीजांक 1 है। यहां पर इस मान को अगर रखा जाए तो भाज्य का बीजांक 2 बराबर भागफल का बीजांक, भागफल का बीजांक 7 गुणा 4 भाजक का बीजांक प्लस शेषफल का बीजांक 1। अब यहां देखते हैं हम लोग कि यह हमको मिल रहा है 29, इसका जो बीजांक है 2 धन 9, ये मिला 11 और यहां से मिला 1 धन 1 बराबर 2। तो जो भाज्य का बीजांक है वो इस भागफल का बीजांक गुणा भाजक का बीजांक प्लस शेषफल के बीजांक के बराबर मिल रहा है। तो इस प्रकार ये जो हमने प्रक्रिया अपनाई है हल करने की वो सही है। यही उदाहरण 6 का हल है।